कसम से स्नाइडर भैया दिल खुश कर दिया आज तुम तो। अगर तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ स्नाइडरवर्स के बारे में। जी हाँ, स्नाइडरवर्स अब रिस्टोर हो रहा है और भाई स्नाइडरवर्स के फैंस का इंतजार खत्म हुआ और अब फाइनली ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो रहा है। भरोसा नहीं हो रहा तो दोबारा सुन लो, और अगर फिर से भरोसा नहीं हो रहा तो जाके ट्विटर चेकआउट कर लो। ट्विटर पर स्नाइडरवर्स ट्रेंड कर रहा होगा अभी तक। अब देखो जेम्स गन कितना चालू आदमी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक क्रिएटिव डायरेक्टर है अभी इस टाइम पे डीसी का, तो वो जानता है कि भाई कंटेंट बनाने में कितनी मेहनत लगती है और अपने को उसी को प्रायोरिटी देनी है। दो चार इससे पहले जो सीईओ थे उनकी जैक स्नाइडर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, उनका ईगो और कॉन्फ्लिक्ट मैटर नहीं करता। अगर तुमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो भाई तुम्हें कंटेंट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और भाई जेम्स गन इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और इसीलिए शायद उसने जैक स्नाइडर को वापस लाया कि भाई अब तुम काम करो, इधर बैठो मेरे बगल में और स्नाइडरवर्स पे काम चालू करो, अपन तुमको डीसी के अंदर रखेगा। जो भी हो भाई अपन को मजा आने वाला है, और ऐसे में भाई मार्वल फैंस को भी खुश हो जाना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर डीसी क्वालिटी कंटेंट बनाने लगे हैं ना तो भाई हम ऑडियंस डीसी की भी मूवीज देखेंगे, मार्वल को लॉस होगा और मार्वल भी उससे कॉम्पीट करने के लिए उससे भी बेटर मूवीज बनाने की कोशिश करेगा। इससे अभी जो मार्वल की मोनोपोली बनी है ना वो गिर जाएगी और मार्वल भी डीसी के कॉम्पिटिशन में अच्छा कॉन्टेंट लाने की कोशिश करेगा ताकि ऑडियंस को पकड़ कर रख सके। इसके अलावा अगर हम जैक स्नाइडर भैया के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने कुछ तो 10 या 15 सेकंड का वीडियो डाला था जिसके अंदर उन्होंने टीज किया कि भाई अपना स्नाइडरवर्स जो है वो वापस रिस्टोर होने वाला है। तो देखो वीडियो के अंदर जो ट्रांजिशन वगैरह यानी कि जो चीजें दिखाई गई है वो तो बहुत चीप है, मतलब कि तुमको किसी भी स्टॉक फुटेज वाली वीडियो से मिल जाएगा। उसी के अंदर लिख दिया है कि इनकमिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम लॉर्ड डार्क साइड, तो समझ जाओ कि भाई अपने डार्क साइड भैया से इनकमिंग सिग्नल आ रहा है, मतलब कि स्नाइडरवर्स से। और लास्ट में इसी वीडियो के एंड होते होते उन्होंने एक डेट बताई जो कि 28 से 30 अप्रैल 2023 की थी और बोला कि इस डेट को भैया तुम सेव कर लो, इस दिन कुछ बड़ा होने वाला है। अब टीजर ट्रेलर इस दिन एक्सपेक्ट करना तो एक मूर्खता से कम नहीं होगा, क्योंकि भाई इतना जल्दी कोई टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप करेगा नहीं। एक पोस्टर या फिर एक पूरी की पूरी स्लेट यानी कि जो भी उन लोगों के दिमाग में होगा स्नाइडरवर्स रिलेटेड वो तुमको देखने को मिल सकता है शायद 28 से 30 अप्रैल के बीच में। और अभी 40 या 45 दिन है तो शायद उन लोगों ने अभी कुछ प्लानिंग नहीं की होगी उतनी अच्छी सी, और प्लानिंग करने के बाद अपने को अप्रैल के एंड तक ये पता चल जाएगा कि भाई स्नाइडरवर्स किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और अभी भाई 1.5 घंटे पहले की बात है जब ट्वीट हुआ, मेरा दोस्त मुझे कॉल करके बोला कि भाई स्नाइडरवर्स वापस आ रहा है, मैं जिम में था, लिटरली जिम छोड़ के चला आया। भाई स्नाइडरवर्स के रिस्टोर होने का मतलब समझ रहे हो, अपना हेनरी कैविल वापस आ जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या है, हेनरी कैविल और जैक स्नाइडर जैसे रेप्यूटेटेड एक्टर और डायरेक्टर अगर 4-5 बार स्टूडियो से निकाले जाने के बाद वापस आ रहे हैं और अपने कॉन्टेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ये भी सोचो कि भाई उनके पास क्या कुछ है दिखाने के लिए। अगर उनके पास कुछ तगड़ा माल है दिखाने के लिए, इसलिए तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे कि भाई मुझे कैसे भी करके ऑडियंस को ये चीज़ दिखानी है, उनकी स्टोरी में दम है, और इसीलिए वो वापस से अब वार्नर ब्रोस के साथ काम करने के लिए रेडी हो गए हैं। इन लोगों को 4-5 बार स्टूडियो ऑलरेडी निकाल चुका है लेकिन फिर भी ये लोग वापस आए कंटेंट के लिए, हम ऑडियंस के लिए, हम ऑडियंस को बेहतर कंटेंट देने के लिए। तो हम सबका भाई ये फर्ज भी बनता है कि अपन लोग इनके कंटेंट को सपोर्ट करें और स्नाइडरवर्स को आगे तक ले जाएं। ना सिर्फ स्नाइडरवर्स, डीसी की जो नई स्लेट आई है अपन उसको भी सपोर्ट करें ताकि मार्वल को एक कॉम्पिटिशन मिले और इवेंचुअली मार्वल भी अपनी कंटेंट पे ध्यान दे ताकि शी हल्क और मिस मार्वल जैसे शो हमें दोबारा ना झेलने पड़े। इसके अलावा अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि भाई जेम्स गन ने अपनी नई स्लेट निकाल दी है चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, तो उसका क्या होगा अगर स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो रहा है तो देखो जहां तक मुझे लग रहा है ना कि फ्लैश मूवी से सारी चीज़ों को इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्योंकि फ्लैश एक ऐसी दवाई है कि तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो फ्लैश को दौड़ा दो, फ्लैश ठीक कर देगा मूवी के अंदर। लिटरेट कॉमिक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि फ्लैश मूवी के अंदर जो इवेंट्स हुए उससे जो स्नाइडरवर्स वाला ओरिजिनल अर्थ था वो दो यूनिवर्स में बट गया। एक यूनिवर्स के अंदर स्नाइडरवर्स की स्टोरियाँ चलेंगी और एक यूनिवर्स के अंदर जेम्स गन की चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर वाली जितनी भी स्लेट रिवील हुई थी वो सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। ऐसा करके इजीली ये लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि भाई दो अल्टरनेट अर्थ है और किसी बड़े इवेंट में जैसे इन्फिनिट क्राइसिस या फिर इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस, ऐसे कई सारे बहुत बड़े इवेंट में ये दोनों ही सुपर हीरोज यानी कि दोनों ही मूवीज और दोनों ही अर्थ के सुपर हीरोज को एक साथ लाके कोलैब वगैरह टाइप का दिखा सकते हैं, जैसे एवेंजर्स एंड गेम के अंदर हुआ था और अभी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर हुआ जहां अलग अलग अर्थ और टाइमलाइंस के सुपर हीरोज एक साथ आएंगे। कुल मिला के बोलूं तो भाई हम फैंस के लिए विन विन सिचुएशन है, और जिन स्नाइडर फैंस ने दिन रात मेहनत की #restoredthesnyderverse की उनकी मेहनत अब सफल हो गई है। भाई तुम एक काम करो, जाके पूजा पाठ करो और अब भाई वार्नर ब्रदर्स के जितने भी सीईओ हैं उनका दिमाग ना चेंज हो। कसम से इतने बार ये लोग बदल चुके हैं ना जितने बार ग्रीन रंग नहीं बदलता, और अब एक डिसीजन पे फाइनल बने रहो और अपने फ्यूचर प्लान के लिए ध्यान दो। ऐसा नहीं कि भाई 1-2 महीने तुमने किया एक पिक्चर तुम्हारी फ्लॉप हो गई तो तुम प्लान ड्रॉप आउट कर दो, 6-7 साल कम से कम करो। ऐसा मार्वल ने भी किया था, शुरू में उनकी पिक्चर भी पीटी थी जिसका पे ऑफ उन्हें फेज 2 और फेज 3 में मिला। जितनी कमाल उनकी पिक्चरें थी उतनी कमाल उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे किया। PS4 का हाल तुम देख के समझ सकते हो कि भाई पिक्चरें भले मिड आ रही है लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई बजट से 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। तो अगर आपको इतनी फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको भी अपने प्लान को थोड़ा टाइम देना होगा और उस पर मेहनत करनी होगी, बार बार डिसीजन चेंज करने से कुछ नहीं होगा। और अब भाई जेम्स गन के हाथ से कुछ मत छीनना, वो बंदा जानता है कि यूनिवर्स को किस डायरेक्शन में ले जाना है
वो बंदा ही तुम्हें पार लगा सकता है। और अगर जेम्स गेल भाई कम से कम 10 साल तक बना रहा ना सीईओ, तो मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ कि भाई डीसी का जो यूनिवर्स है ना वो मार्वल से भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि मार्वल की हालात अभी ठीक नहीं लग रहे हैं। बाकी तुम्हें वीडियो पसंद आता तो तुम लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अविनाश और मैं ऐसे ही सुपर हीरोज और वर्ल्ड सिनेमा से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।